और भी एक तरीका है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, जो कि काफ़ी इजी है इस तरीके से, वो क्या है, क्रेमर रूल से सॉल्व करने का तरीका। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स वाई जी की, जो एक्स वाई जेड का जो हमारे कोफिशियंट्स आए थे, तो हमारे कोफिशियंट्स थे, इसी में ही अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, उसको हम मॉडुलस डी बोल दें, मॉडुलस ऑफ डी फॉर जो एक्स वाई जी का हमारा आया था, वो क्या था, हमारा मैट्रिक्स एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स आया था जो कोफिशियंट्स हम निकालते हैं इक्वेशंस की, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो वो डी मॉडुलस ऑफ डी कहलाएगा। और अगर हम ऐसे ही हम ऐसे तीन और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसमें हम क्या करेंगे, डी वन में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यूज से। तो जो हमारा ए ये था, बी हमारा फाइनल आंसर है, हम फर्स्ट कॉलम को बी की वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, डी वन हमारा मॉडुलस बन जाएगा 621 रिप्लेस हो जाएगा 612 आ जाएगा 112 की जगह, और बाकी सेम रहेगा। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ऐसे ही हम डी टू दूसरे कॉलम को खाली कर देंगे और ये रख देंगे उसकी जगह, तो पहला कॉलम तो एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरा कॉलम 621, तीसरा कॉलम एज इट इज़ का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डी थ्री निकालेंगे। डी थ्री क्या रहेगा, क्योंकि तो जैसा कि आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट निकालना आसान होता है इनवर्स निकालने से, क्योंकि इनवर्स में आपको नौ को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज लेना भी ध्यान रखना पड़ता है, जनरली लोग भूल जाते हैं, साइंस में दिक्कत कर देते हैं, साइंस जो पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, तो इससे अच्छा बेटर है कि हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके चार डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यूज़ निकाल लें। और हमारा डी थ्री क्या रहेगा, सेम पहले दो कॉलम तो सेम रहेंगे, लास्ट कॉलम बी से रिप्लेस हो जाएगी। अब तीनों हम चारों का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, -1 × -1 1, -1 जीरो हो जाएगा, तो 1 के साथ तो 0 आ गया, -1 इसके अंदर क्या रहेगा, 1 × -1 -1, -2 -3 आ जाएगा, और लास्ट वाला जो है +1 × 1 + 2 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। और इसके बाद ऐसे ही हमारे हम डी3 निकालोगे तो वो 18 आ जाएगा। तो इससे हम अब फाइनली हम आंसर इससे कैसे निकाल सकते हैं, क्रेमर रूल से बहुत इजी है। एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ d1 अपॉन मॉडुलस ऑफ d, जो कि हमारा क्या है 6/6 1 है। ऐसे ही हम y निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ d2 अपॉन d का मॉडुलस, ये कितना है, a2 आ जाएगा। ऐसे z जो हमारे पीछे आया था सही आ रहा है आंसर अभी भी, d3 देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। तो हमने पीछे भी अब यही निकाला था जब हमने देखा था, तो 1 × 3 आ रहा था और अभी भी 1 × 3 आ रहा है। तो क्रेमर रूल भी काफ़ी फास्ट तरीका है और अच्छा तरीका है नॉर्मल इन्वर्स निकालने से बेटर।